हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया हूँ, टाटा कंज्यूमर शेयर लेटेस्ट न्यूज स्टॉक टू बाय नाउ। कल के दिन पे हमने देखे टाटा कंज्यूमर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर्स दिए हैं, बेहतरीन नंबर्स आया है और इस नंबर्स के चलते हुए आने वाले दिनों में टाटा कंज्यूमर में बेहतरीन रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज हमने एज यूजुअल जब भी टाटा ग्रुप के स्टॉक जब भी कोई रिजल्ट देते हैं, क्वार्टर थ्री हो या क्वार्टर फोर हो, वो हमेशा उल्टा रिएक्शन ही करते हैं। सेम वे हमने टाटा स्टील में देखा था, टाटा स्टील के नंबर्स भी बेहतर आए थे लेकिन उस दिन उसने उल्टा रिएक्शन दिया था। आज फिर से एक बार टाटा स्टील में अच्छा खासा बाउंस बैक देखा है। सेम सिनेरियो टाटा कंज्यूमर में हर बार हम देखते हैं, जब भी रिजल्ट अच्छा आता है तो स्टॉक उसका कॉन्ट्राडिक सिचुएशन उस दिन पे रिएक्ट करता है लेकिन नेक्स्ट डे से रैली फिर से शुरुआत हो जाती है। बेहतरीन नंबर्स है टाटा कंज्यूमर्स के और ईयर ऑन ईयर देखे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे, रेवेन्यू भी अच्छे से ग्रो हुआ है, साथ ही में नेट प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट में अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ग्रोथ हुआ है। रिसेंटली हमने देखा था टाटा कंज्यूमर और टाटा कॉफी में मर्जर होते हुए, जिसके चलते अच्छा खासा मोमेंटम दोनों स्टॉक में आया था और इस मर्जर के चलते आने वाले दिनों में टाटा कंज्यूमर टाटा कॉफी जैसे स्टॉक्स बेहतरीन आपको रिटर्न देंगे और ये क्वार्टर फोर के या क्वार्टर वन के क्वार्टर टू के जो रिजल्ट आएंगे वो इन पर्टिकुलर फ्यूचर इंप्लीकेशंस को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले नंबर्स देखेंगे, साथ ही में फंडामेंटल टेक्निकल पार्ट भी देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तब जाके स्टॉक का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि दिन में दो बार कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग्स मिले जिससे आपका पोर्टफोलियो और भी बेहतर हो सके। वीडियो की शुरुआत में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आज मार्केट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले आज आपने देखा गैप अप ओपनिंग हुआ था क्योंकि कल रात को यहाँ पे यूएस में अच्छी खासी गेन देखी गई थी, जिसके चलते यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी में भी अच्छा खासा तेजी था। इंडियन मार्केट भी अच्छे खासे तेजी के माहौल से कॉन्स्टेंट करीबन कह सकते हैं 1:30 से 2 बजे तक मोमेंटम रहा था मार्केट में और उसके बाद अगेन जैसे हर बार हो रहा है ऊपर की तरफ, जैसे ही मार्केट सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है वहां पे सेलिंग हो रहा है और ये सिनेरियो आज हमने देखा। जो पूरे दिन की तेजी थी वो 2 बजे के बाद पूरी वाइप आउट हो गई और कल जहाँ निफ्टी ने क्लोजिंग दिया था वही लेवल पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। ओवरऑल अगर इस सिनेरियो को अगर हम समझे तो ग्लोबल मार्केट में जो डर था फेडरल बैंक रेट हाई करेंगे वो एक हो चुका है और कल उसने उसको यूएस मार्केट ने अच्छे से डिस्काउंट कर लिया है। इसके पहले अगर सिनेरियो देखें तो यूएस मार्केट में कांस्टेंट डाउनफॉल था और वो ऑलरेडी कह सकते हैं बॉटम आउट हो चुका था। ग्लोबल मार्केट्स इस समय बॉटम आउट हो चुके ऐसा लग रहा है। साथ ही में अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, क्वार्टर फोर के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं हर एक कंपनीज के। दूसरा सिनेरियो जो कल आरबीआई की तरफ से एक सरप्राइज आया था 40 BPS का राइज हाइक करने का, वो एक सरप्राइज मोमेंटम था जिसने कल का जो बुलिश मोमेंटम था मार्केट का जो क्रिएट हो रहा था उस मोमेंटम को ब्रेक लगा दिया है। लेकिन अब जो मोमेंटम मार्केट में बनेगा यहाँ पे वो स्लोली बनेगा, ऊपर की तरफ हम जाएंगे लेकिन स्लोली जाएंगे, कंसोलिडेशन फेस के साथ जाएंगे। इस समय लग रहा है कि अब बॉटम निफ्टी का है 16,500 का और ऊपर की तरफ जैसे मैंने कहा 17,250 का रेजिस्टेंस है, लेकिन उसके लिए सबसे पहला जो हर्डल है वो 17,000 निफ्टी को क्रॉस करना चाहिए। इस समय कहूंगा मैं अब बाइंग का टाइम आ चुका है। अब अगर जिन आप कह सकते हैं यहाँ पे बॉटम फिशिंग आपने ज्यादा राह देखी तो शायद आपके हाथ से ही अपॉर्चुनिटी निकल जाएगा। तो अब लग रहा है कि बेस्ड ऑन ग्लोबल मार्केट जितने भी नेगेटिविटी थे सब डिस्काउंट हो चुके हैं। मेटल सेक्टर में जो काफी अच्छे से कमोडिटीज मार्केट में अगर हम देखें तो एक बुलिश रन आ चुका था, प्राइजेस आप कह सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल चले गए थे, वेदर इट इज क्रूड वेदर इट इज मेटल्स वो सभी कुछ कंट्रोल में आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ओवरऑल सिनारियो अब संभलते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे बॉटम फिशिंग मत कीजिए, अच्छे स्टॉक्स आपको ऑलरेडी डिस्काउंट रेट्स में मिल रहे हैं, तुरंत उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में सर्विसेज का ओवरव्यू देना चाहूंगा जो हम प्रोवाइड करते हैं एवरी सैटरडे। YouTube लाइव में दोपहर को 3 बजे जुड़ जाइए, 3 से 4:45 का YouTube लाइव सेशन होता है जिसमें आप आपके डाउट्स आपके क्वेरीज जितने भी आपके स्टॉक के रिलेटेड क्वेश्चंस है कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे पूछ सकते हैं, उसी समय लाइव सेशन में आपको आंसर्स मिल जाएंगे। दूसरा तरीका एडवाइजरी स्कीम में जुड़ जाइए, 30 डेज 90 डेज दो तरीके के पैकेज अवेलेबल है। दोनों ही पैकेजेस में पूरे महीने में 15 से 20 कॉल ऐसे दिए जाएंगे जो आप डिलीवरी बेस इंट्राडे बेस एफएनओ बेस काम कर पाएंगे, साथ ही में स्पेसिफिकली आपको एज पर ट्रेडिंग लिमिट आप काम करना है अगर आप एफएनओ सेगमेंट में काम कर रहे हैं, और साथ ही में कैश में अगर काम कर रहे हैं तो जितना हो सके ट्रेडिंग लिमिट के हिसाब से काम कीजिए।
दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस एडवाइजरी स्कीम का जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है आपको एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट मिल जाएगा। तीसरा यहाँ पे मेंटरशिप मिल जाएगी, हैंड होल्डिंग मिल जाएगा, करंट मार्केट न्यूज के साथ आपको कॉन्स्टेंट अपडेट किया जाएगा। मार्केट आवर्स में आप फोन के थ्रू हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके स्कीम का फायदा लीजिए, एडवाइजरी स्कीम में जुड़ जाइए, साथ ही में अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को मैनेज करवाइए और यूट्यूब लाइव में भी जुड़ जाइए ताकि आपका पोर्टफोलियो और भी बेहतर हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, डेटा देखने की शुरुआत करते हैं कि एग्जैक्टली डेटा को समझते हैं कि डेटा एग्जैक्टली क्या कह रहा है टाटा कंज्यूमर का, वो पहले समझते हैं और उसके बाद कैसे आपको इस स्टॉक में रिएक्शन देना है, कैसे स्टॉक में आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को टैकल करना है, क्या लेवल्स होने चाहिए, क्या टारगेट्स होने चाहिए और आज का जो डाउनफॉल आया है उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, वो स्पेसिफिक रीजन क्या है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना जैसे मैंने कहा, तो एग्जैक्टली आपको सभी कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं कि नंबर्स कैसे आए टाटा कंज्यूमर के वो देख लेते हैं और इस नंबर्स के चलते हुए आगे क्या टाटा कंज्यूमर में हमें कैसे टैकल करना है वो क्लियर कट अंदाजा आ जाएगा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्वार्टर फोर रिजल्ट्स, प्रॉफिट जंप्स थ्री फोल्ड टू रुपीज 239 करोड़, रेवेन्यू राइजेस टू रुपीज 3175.41 करोड़, मीट एक्सपेक्टेशंस। रेवेन्यू अगर हम देखें तो करीबन 3175 करोड़ के आसपास रेवेन्यू है और नेट प्रॉफिट की बात करें या फिर स्पेसिफिकली प्रॉफिट की बात करें तो 239 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है जो पिछले मार्च से 3 गुना ज्यादा है। द ग्रोथ इन द रेवेन्यू वॉज ड्रिवन बाय ग्रोथ इन इट्स पैकेज बेवरेजेस बिजनेस, प्रीमियम टी पोर्टफोलियो एंड इंडिया फूड बिजनेस। तो ओवरऑल देखें तो काफी सारा जो सेगमेंट्स है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के उन्होंने अच्छा बिजनेस किया है। जैसे मैंने कहा करीबन यहाँ पे 222% जंप हुआ है इन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जैसे कह सकते हैं और स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो पिछले साल था करीबन 75 करोड़ के आसपास, इस बार 239 करोड़ है। सिक्वेंशियल बेसिस पे बात करें तो प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है लेकिन अगर प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट में 3 गुना जंप हुआ है। जैसे मैंने कहा काफ़ी सारे फैक्टर्स थे यहाँ पे इन्वॉल्व थे जिन्होंने रेवेन्यू को भी राइज किया है। पिछले साल रेवेन्यू था 3037 करोड़ का, इस बार रेवेन्यू जनरेट हुआ है 3175 करोड़ का। अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में दिख रहा है और इस समय अगर हम देखें तो पूरे साल में 9% का ग्रोथ हुआ है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में, पूरे साल में 930 करोड़ से लेके 1015 करोड़ के आसपास यहाँ पे ग्रोथ हुआ है इन टर्म्स ऑफ वन ईयर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। साथ ही में डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है कंपनी ने, 6.05 रुपये के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है और डिविडेंड भी बेहतरीन एज पर एक्सपेक्टेशन आया है। आज का जो मेन रीजन था जो यहाँ पे स्पेसिफिक एक नेगेटिव ट्रिगर किया है स्टॉक में वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट स्लिप्स आफ्टर अर्निंग्स एज मॉर्गन स्टैनली मेंटेन्स ओवररेट रेटिंग। मॉर्गन स्टैनली हम जानते हैं रेटिंग एजेंसी है या एक कह सकते हैं यहाँ पे वेल नोन कह सकते हैं रेटिंग एजेंसी है जिन्होंने यहाँ पे फिर से एक बार इसका जो रेटिंग है वो ओवर रेटिंग की कैटेगरी में रखा है इस पर्टिकुलर स्टॉक का, उस वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्टर्स एक्टिव हुए देखते शॉर्टर्स को एक्टिव होते हुए हमने आज के दिन पे स्टॉक में देखा। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो उन्होंने टारगेट एज इट इज रखा है 86 का, टारगेट को कम नहीं किया है लेकिन जो रेटिंग था उसको ओवर रेटिंग की कैटेगरी में डाल दिया है स्टॉक का, जिस वजह से यहाँ पे ओवरऑल देखे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगेटिव बायस आज के दिन पे हमने स्टॉक में देखने मिला। प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखिए तो 29 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, पूरे महीने में अगर हम देखें तो 18 लाख का ट्रेडिंग जिसमें से करीबन 8 लाख की डिलीवरी क्वांटिटी देखी गई है। पिछले 5 दिनों का चार्ट पैटर्न देखें तो बॉटम था करीबन 781 का और आज के दिन पे इनफैक्ट 776 का और हाईएस्ट पॉइंट था 831 का। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो हाईएस्ट पॉइंट है 840 का, लोएस्ट पॉइंट था 776 का जो आज के दिन पे हमें देखने मिला है। रिजल्ट्स की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 3037 करोड़ और मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू आया है 3175 करोड़ के आसपास। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल था नेट प्रॉफिट 133 करोड़, इस बार नेट प्रॉफिट है 289 करोड़ के आसपास। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस पिछले साल था 0.58, इस बार ईपीएस है 2.36। तो ईयर ऑन ईयर तरीके से रेवेन्यू भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, साथ ही में ईपीएस में भी ग्रोथ देखा गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 35% है, FIS के पास 26% है, पब्लिक होल्डिंग्स है करीबन यहाँ पे 26% और अगर DIS की बात करें तो वो भी करीबन 13% के आसपास है। म्यूचुअल फंड डेटा अप्रैल मंथ का, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने सेल किया है, किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी ने बाय नहीं किया है और सेलिंग क्वांटिटी है 75,000 स्टॉक्स का। तो
75,000 स्टॉक्स यहाँ पे सेल हुए हैं टाटा कंज्यूमर की बाय सिंगल म्यूचुअल फंड कंपनी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। लेवल्स अगर हम देखें तो 52 इस समय RSI, MFI 49 है, यानी दोनों ही न्यूट्रल जोन पे, यानी अप्रोप्रिएट लेवल्स है इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट करने का। रिटर्न्स परसेंटेज अगर हम देखें तो 3 महीने में 6% का रिटर्न है, 1 साल में 21%, तो शायद रिटर्न्स परसेंटेज आपको इतने अट्रैक्टिव इस समय नहीं लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे क्वार्टर फोर के नंबर्स या क्वार्टर वन क्वार्टर टू के नंबर्स आते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न्स परसेंटेज अच्छा खासा ग्रोथ होती रहेगा। 3 साल में अगर हम देखें तो 280% का रिटर्न है, 5 साल में 403% का रिटर्न है और 10 साल में 580% का स्टॉक में रिटर्न परसेंटेज देखा गया है। ओवरऑल स्टॉक बढ़िया है, अच्छे लेवल्स पे आपको मिल रहा है, तो मैं कहूंगा टाटा कंज्यूमर पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपरली हैंडल कीजिए और अच्छे से प्रॉफिट कमाइए। आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, प्रिस्क्रिप्शन पीडीएफ प्लेटफॉर्म स्लैश हो रहा है, साथ ही मेरी वेबसाइट का नाम स्लैश हो रहा है। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटीज में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कोई कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है, वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए, एग्जैक्टली आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।